हाय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर और मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सीबीएसई टर्म टू के लिए, क्योंकि कैश फ्लो उसमें से एग्जाम में आ रहा है। तो उसमें से सबसे पहले हम लोग जानेंगे कैश फ्लो कितना मेथड से बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए आने वाले हैं और बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। और ये वीडियो सिर्फ आप ही लोग के लिए डेडिकेशन पे बनाया गया है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, सबसे पहला बात हम लोग का क्या आता है कि कैश फ्लो हम लोग को तीन कैश फ्लो में तीन एक्टिविटीज होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पूरा कैश फ्लो को तीन एक्टिविटीज में बांटा गया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जितना तरह का करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में टोटल फिक्स एसेट्स आ जाएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन सब आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका और आगे का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आज आप लोग को फॉर्मेट बताने जा रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। तो सबसे पहले सुन लीजिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी दो मेथड से बनता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ज्यादातर एग्जाम में क्या आता है, इनडायरेक्ट मेथड आता है। तो सबसे पहले आप लोग को बताते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट कैश नहीं लेते हैं। जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वन नंबर बनता है कैश फ्लो, सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट। तो सबसे बड़ा बात आता है नेट प्रॉफिट हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो अगर बैलेंस शीट बना के दिया तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस या कुछ लिखा हुआ रहेगा प्रॉफिट के बारे में, हम लोग उससे लेंगे। या तो लिखा हुआ ही रहता प्रॉफिट एंड लॉस, या तो फिर जनरल रिजर्व, ठीक है, या तो किसी प्रकार का रिजर्व या फंड से हम लोग प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले यहाँ क्या किया था, ऐड किया था। क्या ऐड किया जाता है, तो नॉन कैश आइटम या तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश आइटम या तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे आप लोग के पास देखिए हम कुछ अलग करके लिखे हैं, जैसे डिप्रिसिएशन हो गया, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑप्शन, इस सब का काम ऊपर में ही करना है। इसमें फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है, बिना फॉर्मेट का बनने वाला नहीं है। जितना इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है, सब जितना रिटर्न ऑफ होगा सब यहाँ पर लिखा है। रिटर्न ऑफ मतलब कम होना। उसका जितना तरह का लॉन्ग टर्म लोन लिए हैं उस पर अगर इंटरेस्ट है, देखिए ध्यान से ये वाला टॉपिक, अगर उसमें इंटरेस्ट है, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ज्यादा आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ ऊपर में नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर किसी भी फिक्स एसेट्स में क्या होता है लॉस होता है तो हम लोग ऊपर में प्लस करेंगे, और प्रॉफिट होगा देखिए यहाँ पर ध्यान से माइनस। फॉर्मेट आप लोग को याद रहना चाहिए, बिना फॉर्मेट का बनने वाला कैश फ्लो नहीं है। तो आप लोग को एक बार माइंड में सोच लेना है कि हमको फॉर्मेट पढ़ना है तो जरूर याद होगा। फिर इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड रिसीव लेस होगा। तो सबसे पहला हम लोग का ऊपर में हो गया कि डिप्रिसिएशन हो, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस हो, ठीक है। हम लोग पूरा जब बैलेंस शीट बना के देखा, हम लोग उसको तीन भाग में बांट लेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अभी अलग रखते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट, उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे ये टॉपिक जो हम लिखे हैं, डिप्रिसिएशन हो, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हो, गुडविल हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, या इंटरेस्ट ऑन लोन हो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो, तो इसे हम लोग क्या करेंगे उसमें प्लस करेंगे, और लेस क्या करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड सब रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बिजनेस का इनकम नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो हम लोग का टॉपिक आएगा, ये जो हम लोग का ये चीज आएगा, ये हम लोग का क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये पहला टॉपिक आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग आगे में क्या देख रहे हैं कि सबसे अब हम लोग का करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का काम होगा। याद रखिए, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का काम होगा। जैसे अगर करंट एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, करंट एसेट्स क्या कर रहा है इंक्रीज, याद रखिएगा, तो प्लस होगा, और करंट एसेट डिक्रीज करेगा तो देखिए यहाँ पर माइनस है, जो ब्रैकेट लगा हुआ माइनस है, जो हम लोग का ये लगा हुआ है क्या बोलते हैं बिना ब्रैकेट का लिखा हुआ प्लस में है। उसके बाद क्या लिखा है, डिक्रीज इन करंट लाइब्रेरी, करंट लाइब्रेरी डिक्रीज करेगा तो प्लस लिखाएगा, इंक्रीज करेगा तो माइनस लिखाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, करंट एसेट्स बढ़ेगा तो प्लस में, घटेगा तो माइनस में, लेकिन लाइब्रेरीज में उल्टा, घटेगा तो प्लस में और बढ़ेगा तो माइनस में। उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्या देखेंगे हम लोग ध्यान से, यहाँ पर जो हम लोग अमाउंट लिखेंगे उसमें से ये प्लस आइटम ये आ जाएगा, ये माइनस आइटम, और तीनों को एक साथ करके, ठीक है, तीनों को क्या करेंगे
एक साथ करके यहाँ पर देखेंगे प्लस में आ रहा है कि माइनस में, जो भी आएगा उसको लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, दो 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 मतलब हम लोग का मेन लाइन आया बोल्ड लाइन, इसको याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग ऊपर में सब कुछ डिप्रिसिएशन हो या फिर मिलरी एक्सपेंसेस हो, गुडविल हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, सब जोड़ के जो आएगा उसको लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, उसके बाद लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम लोग का करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का काम हो जाएगा। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि ये लिखने के बाद हम लोग इनकम टैक्स देखेंगे कि इनकम टैक्स है क्या। तो इनकम टैक्स है तो माइनस कर देंगे, उसके बाद जो आएगा वो हम लोग का फर्स्ट आंसर होगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और सुन लीजिए एक चीज बात, और अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस में आया तो कैश फ्रॉम लिखेंगे, माइनस में आएगा तो कैश यूज्ड या तो कैश आउटफ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो चलिए आप लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझ गए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट किस प्रकार से होता है कैश फ्लो में। आप लोग कुछ क्वेश्चन बाद में बना के भी दिखाएंगे, इसलिए टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किस प्रकार से बनाते हैं। हेलो माय स्टूडेंट्स, आप पहले का वीडियो में देख चुके हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किस प्रकार से बनाते हैं। तो आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप इसको दो एक्टिविटीज आपको बताएंगे, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश फ्लो किस प्रकार बनता है और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैश फ्लो किस प्रकार बनता है। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई टर्म 2 के लिए, 12th क्लास के लिए, तो ये वीडियो आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हेडिंग दे देंगे, उसके बाद इसमें सिर्फ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट का काम होगा। तो देखिए अगर सेल होगा तो कैश आ रहा, इनफ्लो हो रहा, प्लस में लिखेंगे। अगर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखिए जितना भी फिक्स एसेट सेल होगा, इन्वेस्टमेंट सेल होगा, सब प्लस में लिखेंगे। अब परचेज करेंगे तो हम लोग आउटफ्लो होगा, इसलिए देखिए हम माइनस में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आएगा प्लस या माइनस यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग का क्या होता है। हम लोग का आंसर यहाँ पर आ गया, हम जो भी बोले थे। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट थर्ड टॉपिक आता है। देखिए फर्स्ट हो गया ऑपरेटिंग, सेकंड हो गया इन्वेस्टिंग, फर्स्ट में हम लोग का क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या काम हुआ, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, डिप्रिसिएशन, ठीक है, नेट प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा। सेकंड में हम लोग का फिक्स एसेट्स, ठीक है, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट का काम हो चुका है। खरीदते तो तब मतलब आउटफ्लो माइनस में जाएगा और बेचते तो इनफ्लो प्लस में आएगा। अब आइए फाइनेंसिंग में। तो हम लोग का फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बच्चों लोग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम लोग का कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन आएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इशू ऑफ शेयर, अगर हम शेयर इशू करते हैं तो प्लस में लिखेंगे, पैसा आ रहा है। इशू ऑफ डिबेंचर प्लस में लिखेंगे, ठीक है। रोल लोन लेंगे तो प्लस में लिखेंगे, पैसा आ रहा है, हम लोग का इनफ्लो हो रहा है। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सब आउटफ्लो है। डिबेंचर को पेमेंट करना, फाइनल डिविडेंड पेमेंट करना, इंटरेस्ट पेमेंट करना, लोन को पेमेंट करना, ड्रॉइंग को पेमेंट करना, ये सब माइनस में होगा। क्या होगा, सब होगा बच्चों लोग माइनस में। उसको प्लस माइनस करके जो भी आएगा प्लस में आएगा कैश फ्रॉम लिखाएगा, और माइनस में आएगा तो कैश यूज्ड लिखाएगा। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे तो आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद हम बताते हैं आगे क्या होगा। चलिए बच्चों लोग, हम लोग तीनों बन गया, लेकिन देखिए गलती से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखा हुआ है, टाइप गलत हो गया, यहाँ पर फाइनेंसिंग कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, फाइनेंसिंग, ठीक है, फाइनेंसिंग कर दीजिएगा। उसका तीनों ए प्लस ए हो गया ऑपरेटिंग, बी हो गया तुम आपका इन्वेस्टिंग, और सी हो गया हम लोग का फाइनेंसिंग, ठीक है। तीनों मिला के हम लोग ए प्लस बी प्लस सी यहाँ कर देंगे। उसके बाद बच्चों लोग, ठीक है, उसके बाद हम लोग ओपनिंग कैश को प्लस करेंगे। इसको प्लस करेंगे, हम लोग का जो ओपनिंग कैश दिया हुआ है, ठीक है, ओपनिंग कैश को अगर हम लोग प्लस करते हैं यहाँ पर तो ऑटोमेटिक क्लोजिंग कैश आ जाना चाहिए, तब हम लोग समझ जाएंगे कि कैश हम लोग का क्या हुआ, कैश फ्लो सही बना है। इसमें हम लोग का यहाँ तीन चीज आता है, कैश, बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन जो बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा तो निगेटिव में आएगा, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा तो क्या आएगा, निगेटिव में। तो आप लोग अगर पूरा फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं, कैश फ्लो का पूरा नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दे रहे हैं, आप उससे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा फॉर्मेट इंपॉर्टेंट फॉर कैश फ्लो, ठीक है, पूरा नोट्स है उसमें, आप लोग जाके क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों लोग, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर